सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल थिंग्स इंजीनियर। सो आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत ही विशेष टॉपिक है, जिसमें हम दो प्रोग्राम्स को इंक्लूड करेंगे आपस में, कि कैसे हम मिक्सअप कर सकते हैं, प्रोग्राम को मिक्सअप कैसे कर सकते हैं। जिस सपोज दैट कि आपको एलसीडी और एलसीडी के साथ में आपको मोटर, सर्वो मोटर या फिर कोई भी डिवाइस चलाना है इंटरफेस करके, कि आपका जो भी, या फिर आपको टेम्परेचर वगैरह प्रिंट कराना है, तो उसकी उसको हम एलसीडी में कैसे मिक्स कर सकते हैं, एलसीडी के प्रोग्राम को और डीएसटी के प्रोग्राम को कैसे मिक्सअप कर सकते हैं, या फिर कोई और टॉपिक हो गया, या वो एलईडी डिस्प्ले पे कैसे प्रिंट करा सकते हैं टेम्परेचर सेंसर, इन सभी प्रोग्राम को कैसे एक साथ मिक्स करेंगे। तो सिंपल हम एग्जांपल से देखेंगे कि हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो अभी हमारे पास क्या है कि मैं आपको सिंपल प्रोग्राम को मिक्स करना बताऊंगा, कि प्रोग्राम को मिक्स कैसे कर सकते हैं। कि हमारे पास दो प्रोग्राम होते हैं अलग अलग डिवाइसेस के लिए, अलग अलग मॉड्यूल्स को, अलग अलग मॉड्यूल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया आप लोगों को। तो उस तरीके से हम कैसे प्रोग्राम को मिक्स करते हैं, इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको हेल्प भी मिलेगी कि आप प्रोग्राम को कैसे मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आपको आर्डिनो आईडीई सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा होगा, आपको इसे ओपन करना है। और थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको इसका जो प्रोग्राम का डैशबोर्ड है, पेजेस ओपन हो जाएंगे। तो दोस्तों, अभी हमारा ये प्रोग्राम ओपन हो गया है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम दो एग्जांपल्स लेंगे, कोई भी दो एग्जांपल्स लेंगे और उसके प्रोग्राम को मिक्स करेंगे। तो चलिए सिंपली हम लाइन फॉलोइंग रोबोट के लिए हम प्रोग्राम करेंगे कि हम दो आईआर सेंसर से हम मोटर को कैसे रन कराते हैं, दो प्रोग्राम कैसे मिक्स करते हैं। तो सिंपल अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम सिंपल सा एक कोड बनाएंगे एक मोटर के लिए, कि हम मोटर को फॉरवर्ड, बैकवर्ड, रिवर्स, इन सब टॉपिक्स को कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ताकि आप लोगों को मेन टॉपिक पे मैं ले जा रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो में कोई भी अगर समझ नहीं आता, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या टाइप करना है, टाइप करना है एंट्रीज। टू इक्वल टू 6 मैं कर लेता हूँ, int m4 is equal to 8। तो ये 4 पिन हमने डिसाइड कर लिया, ये हमारे 4 नंबर्स हो गए, मतलब आर्डिनो में जो पिन डायग्राम है वो 4 हैं, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब हम इस पिन को, हम यहाँ पे वाइड सेटअप में जाएंगे, इनको करेंगे आउटपुट। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं पिन मोड अब हम वेरिएबल्स यहाँ पे टाइप कर देंगे जो हमने ऊपर डिसाइड किए हैं, और यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट। एंटर किया, इसी को 4 टाइम हम लिख देते हैं। इसे कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल सी का यूज़ कर सकते हो, ताकि हमारा कोडिंग जो है फास्ट हो सके।
तो मैं इसे कर देता हूँ कंट्रोल वी, वी से हमारा पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल वी से एंटर हो गया। और यहाँ पे अपने वेरिएबल्स का नेम डिसाइड कर दोगे 3 और 4। तो यहाँ पे हमने मोटर के लिए एक पिन भी हमने आउटपुट कर लिया। अब इतना करने पे ये पिन हमारा 5 6 7 8 ये आउटपुट हो गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे, तो आपको नेक्स्ट वाइल्ड लूप में जाना है और प्रोग्राम बनाना है। यहाँ पे टाइप करना है डिजिटल डिजिटल राइट और ब्रैकेट में यहाँ पे टाइप करना है सेम एंड वन कॉमा हाई। ठीक है, मोटर में क्या होता है फ्रेंड्स की दो पिन होती हैं उसके ड्राइवर में, 4 पिन अगर आपको सिंगल मोटर चलाना है तो उसके 2 पिन होते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल एक मोटर को हाई, यानी कि अगर आपको मोटर को फॉरवर्ड चलाना है एक मोटर को, तो यहाँ पे मुझे एक पिन को, यानी कि यहाँ पे 2 हो गया M1 M2, यानी कि एक मोटर के 2 पिन होते हैं, तो 2 मतलब दोनों को कनेक्शन करना है। तो एक को हाई रखना है, एक को लो रखना है। अगर हमें मोटर को फॉरवर्ड करना है तो हम फर्स्ट वाले को हाई करेंगे, सेकंड वाले को लो। अगर बैकवर्ड करना है तो आपको ऊपर वाले को M1 को लो करना है और M2 को हाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे M2 को लो कर देता हूँ। और उसके बाद हम इसी को दोबारा से, क्योंकि हमने 4 पिन डिसाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे हम 2 मोटर लगाएंगे, क्योंकि हम अभी लाइन फॉलोइंग रोबोट के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। तो हम अभी सिंपल में अभी फर्स्ट मोटर के लिए प्रोग्राम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने किया M4 कर लिया। ठीक है, तो अभी हमारा ये फॉरवर्ड के लिए कंडीशन बन गया सिंपल, कि ये मेरा फॉरवर्ड चलेगा। तो इतना प्रोग्राम करने पे आपका जो है मोटर फॉरवर्ड वाइज में मूव करने लगेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है नेक्स्ट। अब हमने इतना प्रोग्राम कर दिया, तो अगर हमें, क्योंकि हमारा लाइन फॉलोइंग रोबोट हमारे सेंसर के अकॉर्डिंग चलेगा, तो अब हमने इतना प्रोग्राम टाइप कर लिया। तो अब मैं सेकेंड पेज एक पेज और ओपन करता हूँ, यहाँ पर हम सेंसर का प्रोग्राम करेंगे। तो सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने इसको हम ऐसे कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे, ये हमारा मोटर के लिए था। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा IR सेंसर के लिए। तो मैं इधर एक पेज ओपन इधर कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हम प्रोग्राम को कैसे मिक्स कर रहे हैं। अगर आपके पास 2 डिवाइसेस हैं तो इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी, कि एक्चुअल में काफ़ी लोगों को समझ नहीं आता है कि 2 प्रोग्राम उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक टाइप करता हूँ सिंपल IR सेंसर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा int तो हमने लिखा int IR1। तो यहाँ पे मैं कोई नंबर यहाँ पे डिसाइड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हम एक नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज कि हमें डिजिटल यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ 4, 9 और 10 यूज़ करूँगा। यहाँ पे इंट लिखा IR2 इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने 2 पिन IR2, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 नंबर। ठीक है, अब हमें 2 वेरिएबल्स लेने हैं जिस पे हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाए। यहाँ पे मैं एक X1 ले लेता हूँ और एक नंबर और लेना है, यहाँ पे मैं लिखता
ठीक है। अब हम चलते हैं वाइड सेटअप में। वाइड सेटअप में सिंपल आपको सेम एज इट इज पिन मोड लिखना है IR 1, इनपुट, क्योंकि सेंसर है तो हम इनपुट करेंगे। एज इट इज सेम IR 2, इनपुट, ठीक है। अब हम चलते हैं वाइट लूप में। अब वाइट लूप में आपको कमांड है यहाँ पे रीड करना है। हमारे पास दो चीजें हैं, एक आउटपुट डिवाइस एक इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आपका है IR और आउटपुट डिवाइस है आपका मोटर, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको X1 इक्वल टू टाइप करना है डिजिटल रीड, इसे रीड करना है हमें IR को। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम लिख दूंगा IR1, ठीक है। सेम एज इट इज हमें X2 के लिए भी करना है। X2 इक्वल टू डिजिटल रीड IR2। तो अब हमारा ये प्रोग्राम बन गया, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हमें, इस प्रोग्राम में हमने जो फर्स्ट प्रोग्राम मोटर के लिए किया था और ये हमारा IR का है, तो इस दोनों प्रोग्राम को हमें मिक्स करना है, ठीक है। क्योंकि अभी हम लाइन फॉलोइंग रोबोट के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सिंपल IR है तो हमें कंडीशन बनाना होता है इफ के लिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा। यहाँ से मैंने कंट्रोल सी किया और इस वाले में, चाहे यहाँ से आप यहाँ पे कॉपी कर लो या फिर यहाँ से। तो सिंपल हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे एंटर किया जो हमने फर्स्ट वाला था, यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है, या फिर आप टाइप करके भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लाया, मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया मैंने अब, या फिर टाइप करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब सेकेंड है, इसको भी हमें सेम एज इट इज यहाँ से कॉपी करना है, इसमें हमें एंटर कर देना है, ठीक है। तो अभी हमारा दोनों प्रोग्राम यहाँ पे आ गया है। तो अब हमारा नेक्स्ट हमारा बसता ये, तो इसको भी हमें क्या करना है, कॉपी करना है एज इट इज, यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। अब बात आती है कि इसमें हम कंडीशन कैसे बनाएंगे। तो अभी हमने सिंपल हमारा IR था, यहाँ पे हमने IR के लिए प्रोग्राम किया और दोनों प्रोग्राम को हमने मिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमारे यहाँ पे ये बनकर ये आ गया, ये मोटर के लिए था, IR सेंसर के लिए हो गया और दो वेरिएबल्स हो गए और इनपुट डिवाइसेस हो गए, सिंपल। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें कंडीशन बनाना है। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा इफ़ कंडीशन और ब्रैकेट में लगा देंगे और इसको ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे लिखेंगे X1 इक्वल टू अगर हमारा 0 हो कंडीशन। अब IR के अकॉर्डिंग देख लेना आप रीड करके, वहाँ पे सीरियल प्रिंट करा के आप देख सकते हो कि क्या आ रहा है। तो हमने लिखा एंड X2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट,
ये कंडीशन हमारा बनता है 0-0 में, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम इसे ब्रैकेट में रखते हैं, ताकि वो कंडीशन को समझ पाए। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन बन गया, तो अब इसी को आपको दोबारा से कॉपी करना है, इसको रख देना है 1, इसको 0। अब आप देख सकते हो कि आपको मोटर किस टाइप से फॉरवर्ड करना है, यहाँ पे लेफ्ट राइट आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे प्रोग्राम मिक्सअप करना बताया है सीन। सिर्फ अगर आप हार्डवेयर लेके मतलब आपके पास अगर लाइन फॉलोइंग आपने हार्डवेयर डिजाइन किया हुआ है, तो आप वहाँ पे उसके कंडीशन बनाना, उसके कंडीशन के थ्रू टेस्ट कर करके आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें आपको बता दी कि यहाँ से हमने क्या किया हुआ है। सिंपल हमने दो प्रोग्राम को, आप इस वीडियो में आपको दो प्रोग्राम को मिक्स कैसे कर सकते हैं उस तरीके से समझाया हुआ है। तो आप इसी तरीके से अदर डिवाइसेस को भी अगर मिक्स करना है, अगर आपके पास दो चीज़ें हैं, अगर ऐसे में मैं आपसे डिस्कस करूं कि अगर आपको एलसीडी का प्रोग्राम मिक्स करना है, तो आपको सिंपल एलसीडी का प्रोग्राम अलग से बनाकर, या फिर आप इसी में अगर आप टाइप करना चाहते हो न्यू, हालांकि जो जिनको समझ आता है वो तो कर लेते हैं, पर जो नए यूजर्स हैं, जो नए नए सीखते हैं, उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, तो वो अपना इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। जब उन्हें समझ में आ जाएगा तो अपना अपने थ्रू कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया है, हमने IR से मोटर को कैसे रन कराना है, दो प्रोग्राम को मिक्स करके बता दिया। तो यहाँ हमने ये प्रोग्राम, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो हमारा कंपाइल भी हो रहा है या नहीं। अगर बाय चांस हमारा यहाँ पे कोई मिस्टेक होता है, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है ये आपका एरर फाइंड कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो अभी मैं इसे वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर वेरीफाई ऑप्शन पर जाना है, इस पर क्लिक कर देना है और एज इट इज। तो यहाँ हमने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया है, तो अभी यहाँ पे लोड हो रहा है वेरीफाई कंपाइलेशन के लिए, कंपाइलिंग इसके। तो अभी हमारे देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एरर इस कोड में नहीं आया, क्योंकि हमने सही मिक्सअप किया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको भी अपना प्रोग्राम को मिक्स करने कर लेना है, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट होगा या फिर कुछ भी आपको समझ नहीं आया होगा, तो आप कमेंट में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या आपको लगता है कि इसी टॉपिक पे हमें और वीडियोस बनाने चाहिए, तो आप हमें सजेशन दे सकते हैं, कमेंट करके आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ डाउट है या फिर कोई चीज़ लगा हो कि नहीं समझ में आया हो, तो आप हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो नए यूजर्स हैं उनके लिए वीडियो है, वो अपना प्रोग्राम कर सकते हैं, किसी नए डिवाइस या नया नया सीख रहे हैं वो, तो इस वीडियो के हेल्प से वो सीख सकते हैं आर्डिनो की कोडिंग, हार्डवेयर डिजाइनिंग, इन सब टॉपिक्स पे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।